ब्लड प्रेशर की बीमारी या हाइपरटेंशन एक प्रिवेंटेबल डिजीज है, लेकिन इसका कंट्रोल है, इसका इलाज नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद शमीम सिद्दीकी है और मैं कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट हूँ पटेल हॉस्पिटल में। मेरी प्रैक्टिस इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी है, लेकिन इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी की प्रैक्टिस में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ कॉरोनरी आर्टरी डिजीज़ से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, जिनमें ब्लड प्रेशर, शुगर, ओबेसिटी और हाइपर डिसलिपिडीमिया या कोलेस्ट्रॉल की कंडीशन है, ये इंपॉर्टेंट है। आज मैं आप लोगों को ब्लड प्रेशर के हवाले से कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ, क्योंकि ब्लड प्रेशर की शिकायत, जिसको हम हाइपरटेंशन कहते हैं, ये एक ऐसी डिजीज़ है जो कॉरोनरी आर्टरी डिजीज़ के रिस्क फैक्टर में ऊपर के नंबर पर आता है। और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर हम जब तक इसको कंट्रोल नहीं करेंगे, हमारे लिए दिल की बीमारियों से बचने के चांसेस जो हैं वो भी कम हो जाते हैं। ब्लड प्रेशर की बीमारी पाकिस्तान में बहुत कॉमन है, लेकिन आम तौर पे होता ही है कि लोग क्योंकि अवेयर नहीं हैं, तो उनको इंसिडेंटल फाइंडिंग से ही पता चलता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि लोगों को ये पता रहे कि ये ऐसी बीमारी है जो कि आप जिसको कंट्रोल कर सकते हैं, और अगर आप इसे कंट्रोल करेंगे तो बहुत सारी दिल की दूसरी ऐसी बीमारियाँ जो कि आगे जाके कॉम्प्लिकेट कर सकती हैं, आप उससे बच सकते हैं। ब्लड प्रेशर के लिए दो तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। एक तो ये है कि आपको अपने डाइट में, अपने एक्सरसाइज में अच्छा ख्याल रखना पड़ेगा, और अगर आपको ब्लड प्रेशर की शिकायत है तो आपको दवाइयाँ लेनी है सारी ज़िंदगी। ब्लड प्रेशर की बीमारी या हाइपरटेंशन एक प्रिवेंटेबल डिजीज़ है, लेकिन इसका कंट्रोल है, इसका इलाज नहीं है। इसलिए मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ इस फोरम से कि अगर आपको एक दफ़ा आपके फिजिशियन ने ये बता दिया है कि आपको ब्लड प्रेशर की शिकायत है, तो आपको ये दवाइयाँ लाइफ लॉन्ग खानी होती हैं, ये बीमारी ख़त्म नहीं हो सकती। ये प्रोग्रेसिव डिजीज़ कहलाती है, इसलिए बाज़ दफ़ा ये होता है कि दवाइयों की मकदार बढ़ भी सकती है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि दवाइयों की मकदार ना बढ़े, तो इसके लिए आप अपनी डाइट में, अपनी एक्सरसाइज के अच्छा ख्याल रखें। डाइट में लो सोडियम डाइट, जिसको हम कम नमक वाले खाने की बात करते हैं, ये आपके ब्लड प्रेशर की शिकायत को बेहतर कर सकती है। दूसरी चीज़ ये है कि ऐसी डाइट जिसमें फ़्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का इस्तेमाल हो, इससे भी आप अपने ब्लड प्रेशर की दवाइयों में कमी कर सकते हैं। और डेली अगर आप 20 से 25 मिनट की फ़िज़िकल एक्टिविटी करें, जिसमें हम कहते ये हैं कि 20 मिनट्स की एक्सरसाइज मोस्ट डेज ऑफ द वीक करें, अपने वेट को कम करें, तो आपको ब्लड प्रेशर की बीमारी से काफ़ी हद तक अफाफा हो सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ब्लड प्रेशर का कंट्रोल रखें अच्छा, और अगर आप अच्छा कंट्रोल रखेंगे तो दूसरी कॉम्प्लिकेशंस जो दिल की है, जिनमें कॉरोनरी आर्टरी डिजीज़ यानी हार्ट अटैक और हार्ट फेलियर, जिसको हम कहते हैं कि फेफड़ों में पानी आने की शिकायत है, ये चीज़ें, या दिल के जो पट्टे हैं वो ख़राब ना हो, ये चीज़, इन चीज़ों से, इन कॉम्प्लिकेशन से आप बच सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।